नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस के बारे में आप न्यूज़ देखेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 7,500 पद आने की संभावना है आरक्षक के, और लगभग 500 पद एसआई के हैं। एमपी एसआई के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अपन जो बुक देखने वाले वो हैं पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए हैं, 100 पेपर की बुक है। 2020 के इसमें पेपर है, लगभग 26 पेपर है। तो ये 26 पेपर आप लोग लगा लेंगे, 26 तो बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन फिर भी अगर ये आप सभी लगा लेते तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी एकदम पुख्ता हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस बुक का रिव्यू करेंगे। महावीर पब्लिकेशन की बुक है, 26 ऑनलाइन सॉल्व पेपर है। इसमें रफ के लिए एक दो पेज खाली दिए जाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का समावेश है। 80+ अंक कैसे लाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन जो एमपी पुलिस को लेकर के जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके लिए न्यूज़ निकल के आई वो ये है कि आप एक से ज़्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक जिले का चयन। देखिए, जो न्यूज़पेपर की कटिंग सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है। इसमें लिखा हुआ है 7,500 आरक्षक और 500 उप निरीक्षक, मतलब एसआई के बारे में बात की जा रही है कि इनकी भर्ती कब होगी। अगस्त में हो जाएगी, तो अगस्त में होगी तो मान लीजिए कि जुलाई, ये जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसकी डिटेल क्या दी गई है, कैसा होगा, फिजिकल होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी डिटेल इसमें लिखी गई है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। और जैसे नई रूल बुक आ जाएगी वो तो आपको डिस्कस हो ही जाएगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई अगस्त से शुरू होगी भर्ती, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इन पदों पर भर्ती की जाएगी, ठीक है, जो कि व्यापमी करने वाला है। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। आवेदन शुरू होने से लेकर के भर्ती होने तक की प्रक्रिया में करीब 6 माह लगेंगे, ठीक है। अब वो क्यों लगेंगे, उसके कारण नीचे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि फिजिकल थोड़ा टफ हो गया। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे एग्जाम, सभी एग्जाम टफ होते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जिस वर्ष में तैयारी कर रहे हो उसी वर्ष में आपका काम हो जाए। तो उसके लिए एक रणनीति होती है, उस रणनीति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि एमपीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रेटजी का वीडियो देख लीजिए हमारा, और अगर पटवारी के लिए भी कर रहे हैं तो पटवारी का भी वीडियो डाल दिया गया है। इसके बाद अब आबकारी का डालेंगे और एमपीपीएससी एमपी पुलिस का जो स्ट्रेटजी का वीडियो वो डाल देंगे, ठीक है। तो चयन के बाद ज्वाइन करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। इस तरह अगले वर्ष जनवरी फरवरी में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जो लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आरक्षकों की भर्ती की जा रही है। बता दें कि इसके पहले 6,000 आरक्षकों की भर्ती बीते वर्ष की गई थी, ठीक है। इस बार चयन के मापदंडों में भी बदलाव किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है। आरक्षक पद के लिए 50% अंक शारीरिक दक्षता और इतने ही अंक लिखित परीक्षा में होंगे। 50-50% का हो गया गेम। तो अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग नहीं है तो आपका कोई ज्यादा चांसेस बनेगा नहीं। तो फिजिकल कैसे स्ट्रांग करेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे अपन। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। उप निरीक्षक पद के लिए साक्षात्कार भी होगा। देखिए भाई, एमपीएसआई के लिए अब आपका इंटरव्यू होगा, जो कि लगभग देखते हैं कितने मार्क्स का होगा, ये आगे लिखते हैं या नहीं इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार के अंक मिलाकर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। 50% अंक लिखित परीक्षा और 10 से 12% साक्षात्कार के अंक होंगे। तो टोटल अंक अभी भी बताया नहीं गया है, ठीक है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2012 के पहले तक शारीरिक दक्षता के अंकों को जोड़कर ही प्रवीण्य सूची बनती थी, 2012 के पहले। उसके बाद बंद हो गया था। तो इसके बाद बंद होने से जो लोग सेलेक्ट हो गए वो लोग अच्छे स्थिति में थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ फिजिकल भी नहीं था और एग्जाम भी उतना टफ नहीं था। फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप अभी 10th 12th पास हो करके आए हैं और आप सोच रहे कि कांस्टेबल बन जाए फिर उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, जो भी करना है, तो आप सही समय पर आए हैं। उसके बारे में आपको सही रणनीति बता दी जाएगी। अब यह माना जा रहा है कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर के साथ साथ शारीरिक दक्षता भी जितनी अच्छी होगी पुलिस की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी और बेहतर होगी। इसी कारण दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। तो फिजिकल भी होना है और अपना एग्जाम तो रिटर्न हो ही रहा है। तो देखो भाई, करना क्या है, फिजिकल के बारे में 2 मिनट बात करूंगा, फिर इसके बाद आबकारी के लिए बता देंगे 2 मिनट, और फिर इसकी बुक का रिव्यू कर लेंगे। तो फिजिकल के बारे में ये बात हो रही है कि भाई लगभग मान लो 800 मीटर की तो रेस होती होती है। गोला फेंकना पड़ेगा आपको 14 फीट के आसपास लगभग, और ऊंची कूद हो जाएगी आपकी, ठीक है। गोला फेंकना पड़ेगा और हाँ, लंबी कूद हो जाएगी इसमें लगभग, वो भी 14 फीट हो जाएगी। तो ये जो गोला फेंकने का है वो लगभग, अभी एग्जैक्ट बोल नहीं सकते, लगभग ये मान लीजिए कि 20 फीट से ऊपर ही होगा। तो ये फिजिकल हो गया, और आपका जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है वो तो आपको टफ हो ही रहा है। फिर उसमें प्लस 80+ अंक कैसे लाएंगे उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। ये देखो, 80+ अंक लाने के लिए पहले बारे बात कर लेते हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का है। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आप सभी कुछ कर लोगे और एमपीजी के जोड़ लो। तो ये 3 सेक्शन से आपके अगर ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। एमपीजी के लिए पुणे का और अपना एमसीक्यू वाली बुक ले लो महावीर की, ठीक है।
इसे एमपीजी के ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, कोई और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको एग्जाम पोर, वाईफाई स्टडी या फिर कोई और चैनल आपको अगर लगता है कि ठीक है वो देखो। एमपी में जितने भी लोग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उनको किसी को मत देखो। जब आप उनकी वीडियो देख लेते हो एग्जाम पोर या वाईफाई, जो भी अच्छा बड़ा चैनल है जिसके मिलियंस में व्यू है उनके देख लो, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अगर यहाँ अप्लाई हो रहे हैं और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीख लो। मैथ में भी सेम ये सही करना है आपको, एग्जाम पोर और वाईफाई स्टडी को फॉलो करना है। ठीक है, अगर ये तीन सब्जेक्ट पे अगर आपकी बढ़त हो जाती है और अच्छा बन जाता है ये तीन सब्जेक्ट, तो आपका आराम से 80+ आराम से हो जाएगा। साइंस भी रहता है तो साइंस को भी आपको यही है कि लूसेंट का पर्टिकुलर जो साइंस आता है वो कर लो, एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है वो ले लो, और एमसीक्यू की एक बढ़िया सी बुक ले लो जो प्रीवियस ईयर की होगी, व्यापम में आए हुए प्रश्न। ठीक, अब ये बात हो गई अपनी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के कैसे क्या क्या करना होगा। इसके बारे में डिटेल में आपको कब बताएंगे, जब रूल बुक आ जाएगी। अभी जेल विभाग के लिए जो आपके लिए न्यूज निकल के आई वो ये है कि आप एक से ज्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक जिले का चयन किया जाएगा। तक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन विभाग के वन रक्षकों पदों के लिए आवेदन आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु तो एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। वन विभाग में वन रक्षक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता क्रम के अनुसार केवल एक जिले में चयन किया जाएगा। आप एक से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड में भर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। आपका सिलेक्शन तो एक ही जिले से होना, लेकिन आप एक से अधिक जिले भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुक के बारे में। और सर आप तो आबकारी के लिए भी कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में तो आपने कुछ बोला नहीं। आबकारी के लिए ये बोलना चाह रहा था मैं कि 10 से 15 दिन बचे तो इसकी स्ट्रेटजी लेके आते हैं आपके लिए कि आपको कैसे काम करना होगा। ठीक है, आज शाम तक इसको वीडियो को डाल देंगे अपन, स्ट्रेटजी के लिए आबकारी का। ठीक है, तो ये बुक है महावीर पब्लिकेशन की, पुलिस आरक्षक के लिए। इसमें सॉल पेपर दिए गए लगभग कितने हैं, 26 अप टू डेट है। और अगर इनकी आपको देखना है कि भाई इनकी कौन कौन सी बुक आती है तो वो देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। देखिए इसमें से कम बहुत सारे बुक का रिव्यू तो कर दिया गया है, कौन कैसी है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, और लगभग सभी एग्जाम के लिए बुक निकाल चुके हैं। तो आप एक बार जाकर जरूर वीडियो देख लीजिएगा हमारा, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक लेनी है कौन सी बुक नहीं लेनी है। ठीक है, लगभग आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बुक तो बहुत ही अच्छी है, कुछ बुक में थोड़ी सी इशू हो सकता है। देखिए सभी बुक में कुछ ना कुछ इशू होता है, ऐसे परफेक्ट बुक तो आज तक नहीं बन पाती, क्योंकि ये लोग भी जो डाटा लेते हैं कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक वेबसाइट से होती है, और ऑथेंटिक वेबसाइट पे अगर मिसलीडिंग अगर इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो फिर क्या कर सकता है इंसान कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट वाइज आपके जितने भी पेपर हुए थे एमपी कांस्टेबल 2020 के वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब बोलेंगे सर 2021 का लेटेस्ट था वो कहाँ गया, 2021 का एक्चुअली क्या वो व्यापम ने अपने वेबसाइट पर डाला ही नहीं है, इस वजह से इशू ये आ रहा है। तो वो हमने भी बहुत कोशिश की उठाने के लेकिन मिला नहीं। अब आप एक काम कीजिए, आप लोग अगर आप चाहते हैं कि 2021 का पेपर मिल जाए किसी तरीके से, तो उसके लिए एक ही चीज की जा सकती है, वो क्या है, वो सर ये है आरटीआई। आरटीआई लगा लो, और अगर ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना तो उससे आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा 2021 का, अगर किसी तरीके से आपके पास मिल जाता है तो। ठीक है, 2021 में जो भी एग्जाम हुए मैं वो बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का 8 तारीख को हुआ था जनवरी में 2022, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने एमपी पुलिस की कभी तैयारी नहीं की, आपको गणित पता ही नहीं है इसका कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में ये बता देता हूँ पहले कि भाई इसमें सेक्शन देख लो पहले क्या क्या आता है। जनरल नॉलेज आता है, लॉजिकल नॉलेज आता है। ठीक है, पहले अपन टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद क्या आता है इसमें साइंस एंड अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक मतलब मैथ्स हो जाता है, साइंस अच्छी खासी पूछता है, ये ऐसी साइंस पूछता है कि आप लोग फंस जाते हैं, लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक सब्जेक्ट है इसमें मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, मतलब वही रीजनिंग वाला सेक्शन हो जाता है इसमें। ठीक, तो इतने इसमें टॉपिक है, मतलब कहने मतलब चार सब्जेक्ट हो जाते हैं, 4 से 5 6 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सब मिक्सअप करके लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से बोला जा रहा है कि लगभग 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो आप आराम से काम कर सकते हो उसके ऊपर, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट बता दिए गए, तो आप देखो 6 सब्जेक्ट आपको बता दिए गए तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट कैसे करने चाहिए और उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के बारे में पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। जनरल नॉलेज पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये हो गया कि भैया करंट अफेयर उठा लिया इसने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपन इसको देख रहे हैं कि लाल क्रांति का मतलब ये इंडिया जी के हो गए, कोलकली लक्षद्वीप ये भी इंडिया जी के हो गए, मध्य प्रदेश किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग है, मतलब अब यहाँ से तीन चीज से समझ में आ गया कि जीके का मतलब क्या है इसका। इसका जीके का कहने का मतलब ये है कि भाई हम कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिया से पूछेंगे, इंडिया जीके मतलब लूसेंट की बुक आ जाएगी उसके लिए। ठीक है, बुक भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आपके काम में आ जाए। एमपी के बारे में बात कर रहा है, एमपी जीके के तो यहाँ पे पुणे का ले सकते हो, महावीर ले सकते हो। ठीक है, और एमसीक्यू की बुक ले लेना भाई, एमसीक्यू की अगर बुक नहीं पता है तो देखो महावीर ने भी निकाल दी है, पुनेकर की भी आती है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं व्यापम के वो अगर लगा लोगे तो उसके बाहर से एमपी जीके जाएगा ही नहीं किसी भी कीमत।
आप बात कर लेते हैं जीके के नाम पर ही करंट अफेयर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करें सर? तो करंट अफेयर का देखो भाई ऐसा है मामला कि करंट अफेयर में ये लोग क्या क्या पूछते रहते हैं, करंट अफेयर में ये इंडिया का भी पूछते हैं और एमपी का भी पूछते हैं। तो एमपी के लिए आपको स्पेशली अलग एक बुक लेनी पड़ेगी, आपको मार्केट में जो भी अवेलेबल हो जाए। अभी तो एपीएल की है मार्केट में अवेलेबल, बाकी की बुक्स जो है वो उतनी खास नहीं है देख ली मैंने, ठीक है। और क्या है ये इंडिया इंडिया का जो करंट अफेयर, उसके लिए स्पीडी का जो आता है ना वो सफिशियंट है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। हाँ अगर कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है जैसे मैं एमपीपीएससी वाले भी हो आप लोग, अगर भाई चांस मिला तो ये भी देना चाह रहे तो पीडी तो आप कंटिन्यू करें, पीडी अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो ये दो बुक अगर पीडी और स्पीडी चला लोगे तो फिर करंट अफेयर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने जीके वाला सेक्शन कर लिया। अब इसके जो टॉपिक बचते हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक साइंस बोल रहा है और अर्थमेटिक बोल रहा है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, रॉस ने अपनी पानी बचाना सिखाया क्योंकि, रॉस ने, ऑप्शन क्या है? यह नवीकरणीय है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन है मतलब कि सिंपल, अर्थमेटिक तो अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस अगर आपके पास है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे समझा होगा, तो आपने कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा कि एक्चुअल में किस उसका क्या होता है। एप्लीकेशन पूछ लेता है कभी कभी, किस किसी जो कॉन्सेप्ट होता है उसका एप्लीकेशन पूछता है, तो वो अगर आपने समझा है टॉपिक तो आपको बन जाएगा, अन्यथा क्या होगा रट्टा एप्लीकेशन में दिक्कत हो जाती है। शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति क्या है? रोग है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आहार। तो ये आपको पता है रोग की वजह से ऐसा होता है। देखो इजी क्वेश्चन था ना, बस लैंग्वेज की बात थी। अगर आपने पकड़ा हो पढ़ा हो, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस का कारण बनता है, क्या बनता है वह? सी, मतलब खाद विषाक्तता। अब आपने बोला है कि भाई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग सुनते हैं फूड पॉइजनिंग होंगे, फूड पॉइजनिंग हो गया, लेकिन कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि उसका बैक्टीरिया कौन सा है, किस वजह से होता है वो, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। अब बात कर लेते हैं साइंस के लिए, क्योंकि सर साइंस का बता दीजिए बुक क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ तो हम बात कर रहे थे साइंस के लिए, तो साइंस के लिए क्या लेना है आपको बता दिया मैंने। लूसेंट का जो साइंस सेपरेट आता है वो ले लेना, ठीक। प्लस आपको क्या करना है, पीवाईपी लेना। पीवाईपी मतलब जो साइंस का आया है, बुक का रिव्यू कर दिया गया हूँ आपने, देख लेना करके, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हो सर, ये सब में कवर हो जाएगा क्या इतना सा? तो एक काम करो फिर, एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है ना साइंस का, वो ले लो, उससे आपका ये जो साइंस है इसका आराम से काम हो जाएगा, कोई और इशू आएगा नहीं। ये जो बता रहा हूँ मैं, ये आपको ऐसा नहीं कि एमपी पुलिस में काम आएगा, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे काम में आना ही है, और एमपीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे काम आएगा ही आएगा। साइंस का सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब बात करते थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन कैसे है यहाँ पे, सर वो भी बता दो, ठीक है। देखो यहाँ तो अर्थमेटिक के नाम पर ही पूछा, अभी करते हैं ना, दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया। एक मिनट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अर्थमेटिक के टॉपिक उसने बाद में दिखाया है, उसके क्वेश्चन बाद में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ये देख लो, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम आ जाता है ना, फिर उसका आपको क्वांटिटी फिगर आ जा रहा है, फिर उसके बाद आपका एनालॉजी आ रहा है, सीरीज आ रहा है, और फिर ये आपका एनालॉजी है ना, अक्षर समूह चयन हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो जा रहा है, ठीक। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी फिगर का ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपको आ सकता है और उसके ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका काम, अगर देखो रीजनिंग तो यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कुछ लोग, उनका नाम बता दूं क्या, सोच रहा हूँ बता देता हूँ, चलो ठीक है। एग्जामपुर पे आपको एक दो लोग मिल जाएंगे और एक वाईफाई सिटी पे मिल जाएंगे, ये इनकी रीजनिंग पढ़ लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसने एक एनालॉजी के अगर 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए 20-22 में से, तो अगर आपके पूरे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहे हैं तो आपके सारे सही हो जाएंगे, और सही हो जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पास होने की, ना सिर्फ पास होने की, मेरिट लिस्ट में नाम भी आना चाहिए ना आपका। ऐसा इसलिए मैं 80+ क्यों बोल रहा हूँ, 80+ का यही है कि भाई देखो 80+ ही जाता है मेरिट लिस्ट, 70-75 में काम होता ही नहीं है यार। यहाँ पर अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर, आपको ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 80+ नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई मैथ्स के बारे में सर, मैथ्स के भी क्वेश्चन दिखा दो। तो ये देखो आयुष ने 11,000 रुपये प्रतिवर्ष 12% की दर से उसकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ चर्च की, चक्रवर्ती ब्याज का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आता है तो अच्छी बात है, कुछ लोग फॉर्मूला से करते हैं, फॉर्मूला से जमाना चला गया, लेकिन फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। यहाँ पे आपको एलजेब्रा मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो लगभग जितने भी मैथ्स में टॉपिक होते हैं सभी पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ्स में वो मैंचुरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो मैंचुरेशन कर लेना, फॉर्मूले रट्टा रट लेना और चार्ट बना लेना और उसको कहीं चिपका देना, उसको बार बार देख लेना, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए एक बात बोल रहा हूँ कि अगर जो कैलकुलेशन आप लोग का है फास्ट करने के लिए, टेबल पढ़ लो, कम से कम 40 तक की टेबल याद करो, 40 तक की स्क्वायर याद करो, 40 तक की क्यूब याद कर लो,
कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आराम से काम होता, कोई इशू नहीं आता है। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, खाली खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर रीजनिंग भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखो कुछ नर्मदा कुछ नर्तक लेखक के कुछ और सभी लेखक छात्र, तो इस प्रकार का सिलेबस में जो है इसके क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। तो लगभग 26 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट बोल लो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बोल लो, वो दिया गया है। और इसके पेजेस कितने हैं, पेजेस दिखा देता हूँ आपको। इसके टोटल पेजेस जो हो रहे हैं वो 421 हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो 421 पेज लगाने में टाइम भी लगेगा, अगस्त में अगर पेपर है तो, अभी चल रहा है फरवरी, तो आपको इसको टाइम तो लगेगा ना। तो लगाओ अच्छे से, बढ़िया बैठ के दो चार लोग मिलकर लगाओ, अगर कोई इस चीज में इशू आता है तो फिर कमेंट करो, वीडियो देखो, किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, राज्यसभा मुख्य परीक्षा के लिए इनके जो बुक आई है मार्केट में वो ये है कि अनसॉल्व आ गया, ठीक है, चंचल जैन और कुसुमलता श्रीवास्तव के कॉम्बिनेशन से बुक बनी है हिंदी की। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा तो आप लोग फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए देख लेना जाकर के रिव्यू, ठीक है। और आगे ये बोल रहे हैं कि एमपी जीके का वस्तुनिष्ठ, आगे इसी के बारे में बात करो, अगर ये एमसीक्यू के मतलब पी वाई पी के लिए ले लेते हो ये बुक तो काम हो जाएगा आपका, और सॉल्व पेपर मिल जाता है यहाँ पर एथिक्स का। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस बुक का जो एमआरपी है वो 450 रुपये है, तो आपको अलग अलग जिले में अलग अलग प्राइस मिल जाएगा, 10% से लेकर के 40% की छूट मिलती है। आप भोपाल में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, या फिर बैतूल में रहते हो, या फिर किसी अन्य जिले में रहते हो, तो आपको कीजिए कि भाई ले लो। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो पहले मार्केट में पता कर लो कौन कौन सी बुक आई है, कौन कौन से अच्छी चीज है, एक दिन भोपाल चले जाओ या इंदौर चले जाओ, उसके बाद बुक खरीद के ला लो। ठीक, थोड़ा घर से निकलो, नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस होते चीजें। ठीक है, थैंक यू।